नमस्कार जी, अपना परिचय दो जी पहले। मेरा नाम तस्वीर अहलावत है, डिगल मेरा गांव है। अच्छा जी, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है जी, दीपेंद्र ने आप भी भेज रखे हैं और पीछे पास देगा पहलवान नागल है षड्यंत्र रचने खातिर ब्रजभूषण के खिलाफ। ना दीपेंद्र इसमें क्यों भेजेगा, ब्रजभूषण कहाँ लग रहा है? ब्रजभूषण तो भाई साहब कुछ भी कह दो, आपराधिक रिकॉर्ड का आदमी है, सांसद है, छह बार का सांसद भी, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड भी है। सांसद तो इस देश में बहुत बन रहे हैं, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड के बने हैं तो सवाल तो उठे हैं संसद में भी, आम जनता के बीच में भी, उनकी विश्वसनीयता पर तो सवाल उठे है। दीपेंद्र का तो बार बार में टारगेट ये क्यों कर रहे हैं, हमने ऐसा लगा है जो दीपेंद्र हुड्डा जी है ना, उनका क्या बना, एक तो वो इसी संसद में बैठे हैं और देश में दो बार के सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं, ये तो नहीं बने ना, 800 सांसदों ने मिलकर बनाई। और सबसे ज़्यादा नफरत खिलाड़ियों के मामले में उनसे इस बात की है, अगर उनने एक पॉलिसी बनाई हरियाणा में, हुड्डा साहब का जब राज था कांग्रेस सरकार थी, अगर भाई ना जाति देखी जाएगी, ना धर्म, ना लिंग, उस आधार पर पद लियाओ, पदक लियाओ और पद पाओ। उसमें ना मुसलमानों को भी नौकरी मिली है DSP लेवल तक की, इक्वल टू HCS, इक्वल टू IAS मिली है, हर जाति को मिली, कोई जाति नहीं बच रही जहाँ का कोई खिलाड़ी था ना मिल रही हो। उस पॉलिसी की सराहना पूरे देश में हुई है, तो जब जब खिलाड़ियों की बात आओगी ना और उनके समर्थन में बात आओगी, उसी टाइम दीपेंद्र को तो बदनाम किया जाएगा। कांग्रेस का सफाया हो लिया, कांग्रेस पहलवाना का सिर पदर का बंदूक लावा है, कांधा पदर का ऐसा है। सफाया तो राजनीतिक पार्टियों का होना जाना एक अलग बात है, वो सफाया होया ना होया वो तो लोकल आधारित बात है, लेकिन क्या है ये नाम लेना किसी का, ये मुद्दे से भटकाने की बात है। दीपेंद्र को तो दो ही चीज़ों से घसीटा जा रहा है। आखिर ना हरियाणा में पिछली बार एक जाट नॉन जाट नाम का एक स्लोगन चलाया, उससे इनको फायदा हो गया, ये इस एजिटेशन को दबाने के लिए दोबारा से वो स्लोगन चला रहे हैं। अगर भाई जाति विशेष का चला दो, तुमने हरियाणा में फायदा हो गया तो यहाँ भी हो जाएगा। तो हम इनको बताना चाहते हैं, जाट तो एक जाति है, नॉन जाट कोई जाति थोड़ी है, ना तो वो राशन कार्ड में, ना आधार कार्ड, ना वोट में। ऐसे तो सचिन पायलट को हराना था, कह दो गुजर नॉन गुजर, हीरा में चले जाओ, अखिलेश यादव को हराना है तो भाई अहिर नॉन अहिर, कृष्ण पार को जाना, ऐसे ही किसी को भी हरा लो आप, जाति विशेष का नाम लेकर नॉन लिख दो। दिक्कत क्या है, फेयर होली तो जांच का विषय रह गया, नहीं जांच का विषय रह गया, लेकिन ना तो उनने सहयोग देने लायक रहा ब्रजभूषण, किस चीज में सहयोग लाए रहे, मैं सहयोग दूंगा, गिरफ्तारी कैसे दे दी पहले। दरअसल क्या है, सहयोग देने का तो है जो ब्रजभूषण की जो मानसिकता नहीं सामंतवादी, और जो उसके इलाके में प्रभाव है, कई सीटों पर असर है, उसकी ताकत मान गए और वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को भी दबाव में ले रहा है, क्योंकि क्या है प्रधानमंत्री दबाव में आ गए। हाँ, क्योंकि ये फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, इनके लिए एक 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री जी आएगा और विषय गुरु के राह पर भारत ने ले चले हैं, तो वो किस तरह दब जाएगा? 56 इंच का सीना तो जब परू होगा, जब ये लड़कियों के मामले में न्याय रखेंगी, नहीं तो 56 इंच कहने की बात है। अगर भाई कोई ताकतवर प्रभावशाली आदमी होता है तो उसका 56 इंच का सीना होता है, ये कहने की बात है, लेकिन दिखाऊंगे तो मान्या जाएगा, वरना एक्चुअल तौर पर इंची टेप तो नापेंगे तो दारा सिंह का था 52 इंच का तो, और 50 क्या उनका चंदगी राम का था, उनसे तो बड़ा नहीं ना। 56 इंच का किसने बना दिया मोदी जी का? 56 इंच का ही बना है, वो बना धारा 370 में राम मंदिर बनाने में, लेकिन जिस हिसाब से किसानों को दुखी कर रहे हैं, व्यापारियों को, छोटियों को दुखी कर रहे हैं, अलग अलग वर्गों को दुखी कर रहे हैं, 1000 ब्लेड ऑफ थ्योरी चला रहे हैं, कभी किसी वर्ग को ब्लेड मारा, कभी किसी को, उस हिसाब से 56 इंच का सीना नहीं रहेगा, क्योंकि 56 इंच का सीना बनाए 140 करोड़ के लोगों ने। अब 140 करोड़ के लोग अगर नाराज होंगे, उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा, तो 56 इंच का सीना कहाँ रह जाएगा भाई साहब? बीते दिन नुका लाठीचार्ज करिया है नुका दिल्ली पुलिस ने, या बात सही है अगर झूठे रोक लगाए दिल्ली पुलिस पे? नहीं तो मीडिया में भी सीधे है, दिन में मीडिया दोनों का पंखा डाय पड़ा हुआ ऐसा है। 200 लड़कियाँ एजिटेशन कर रही थी रसल प्रोटेस्ट के हक में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, डेमोक्रेटिक राइट भी है, मदद कर सकते हैं, आंदोलन में सहयोगी होंगी, लाठीचार्ज हुआ उनको वहाँ से डिटेन किया गया, लाठीचार्ज किया गया, मोरिश नगर के मुखर्जी नगर वहाँ थाने में ले जाया गया, शाम को छोड़ दिया गया। आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, महिलाएं अपनी माओ से मिलने आई, उनको कंजावला वजीराबाद छोड़ दिया गया, रात में बच्चों के साथ पलंग लाने पर झड़प हुई, गद्दे भीग गए थे,
तो पहलवानों की माँ को भी नहीं मिलने दिया, उनको भी डिटेन किया गया। तो ये कहाँ का मानसिकता, ये आंदोलन दबाने की कोशिश है। ये ब्रजभूषण सिंह जो है ये एक सांसद इलाके में जो इनकी वोट आओ हैं और वहाँ का एक प्रभावशाली बाहुबली व्यक्ति तो इसमें बड़ा प्यार करे ब्रजभूषण है, और बीजेपी का स्ट्रक्चर जनता प्यार करे जी ब्रजभूषण का, जनता प्यार करे ब्रजभूषण है, और इसीलिए 6 बार सांसद बना दिए, विधायक उनके बेटे इस टाइम। जनता प्यार करती ना तो सर्वश्रेष्ठ सांसद होते। जनता डरे है, हमारे देश की बदकिस्मती यह है 75 साल की आज़ादी होगी, उसके बावजूद भी दिल्ली के कई इलाके और कई इलाके में बड़े बड़े गुंडे 10-5 आदमी ने मार मूर के भी, और सब क्यों राजनीति में पूरे देश में ऐसे ऐसे गली नुक्कड़ के साथ बैठे हैं। बीजेपी आई टी बनना तो एक आम बात है, बीजेपी आई टी सेल 2014 का बात है, भारत आजाद हुआ है। बीजेपी आई टी सेल के कहने से क्या होगा कि 2014 के बाद देश आजाद होया, अगर ऐसी आजादी दी है मोदी जी खुद गवाह हैं, तो भाई गुलाम में रख दो हमने तो, मोदी जी खुद गवाह। अगर इसको आजादी कहते हैं ना, डेमोक्रेटिक राइट इसको कहते हैं, तो हमने गुलाम रख दो, ऐसी आजादी की कोई जरूरत नहीं जो आजादी आज के दिन चल रही है। आज सारी खापूरा पहुंची है कि नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास को न्याय दुआ को नरेंद्र मोदी जी। देखो भाई खापा का तो ये हक बने है, उसका मुख्य कारण एक और बन गया, ये लड़की जब रियो में ओलंपिक गोल्ड ले आई थी, दो लड़की थी पीवी संधु और साक्षी मलिक, जब तो देश के सामने दो ही सवाल थे, अगर भाई हमारे देश के इतने मेडल कम क्यों है, दूसरा सवाल पुरुष प्रधान देश है आदमियों का माना जाता है, उसमें सिर्फ दो महिलाओं ने इज्जत बचाई। तो साक्षी मलिक ने उसका जवाब दिया, अगर 130 करोड़ लोगों की दया और दुआ का असर है, तो उस दिन तो 130 करोड़ लोगों की इज्जत थी, जो वह 130 करोड़ लोगों की इज्जत ब्राज़ील में रियो ओलंपिक में बचाई उसने। आज वह जब अपने इस फेडरेशन सिस्टम में, दूसरा सवाल ये था अगर ऐसा क्या हमारे देश में मेडल नहीं आते, उस बात का जवाब देने के लिए आज ये बैठी हैं, तो 140 करोड़ का मुल्क क्या इनको इनकी इज्जत नहीं बचा पाओगा क्या? प्रधानमंत्री जी के सामने सवाल खड़ा नहीं होता। दो चार्ट लग रहे हैं, आप जाके देखो, एक चार्ट में 40 मुकदमे हैं, एक सांसद के प्रति 38-40, एक तरफ 38-40 मेडल हैं। प्रधानमंत्री जो फैसला करेंगे ना, उससे ये न्याय का रास्ता निकलेगा जंतर मंत्र से। अगर देश ना वो मेडल चाहिए हैं, अब इस देश ना वो उस टाइप का नेता चाहिए है। ये जो पहलवान पहलवान ये पहलवान बैठे हैं, ये फेडरेशन पर कब्जा करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं हमारे नीचे की सरकार, ऊपर की सरकार ने एक आवाज दी थी, एक नारा दिया था पानीपत से, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसके बाद भी बेटी जंतर मंत्र पे धरने पे क्यों? भाई इसका कारण ये है, अगर ऐसी मानसिकता होने जा रही है, चाहे कठुआ गैंगरेप होया, चाहे हाथरस होया, वर्गों में धर्मों में बांट बांट के इनको अकेले अकेले करके आंदोलनों को तोड़कर सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही के दौर में आ गई। और इन लड़कियों को एक कसूर ना है, 2014 से ले गए और 2023 तक 20 मुकदमे हैं यौन शोषण के उसके ऊपर, उसके वो सारे दबाए गए। अब ये लड़कियाँ उस माहौल से, उस मंजर से निकल गए। 12 साल की चुप रही है, कहाँ चुप रही यार, मेरी को ब्रजभूषण कहने लग रहा है। ब्रजभूषण के कहने से क्या होगा, आप गुंडे हो बदमाश, मैं आपके गांव में सुनो, आपके गांव में जाऊं, आपके गांव में चरित्र पूछूं, आप गुंडे हो बदमाश और कुछ सरपंच बन रहे हो आप गांव के, इसका मतलब आप जो कहोगे सच हो जाएगा यार। आपका व्यक्तित्व क्या है पर्सनल, MP MLA बनना कोई बड़ी बात थोड़ी है, आम बात है देश में, जिस राजनीति पार्टी की हवा आई हो टिकट लेकर बन जाओ, लेकिन साफ प्रसिद्ध आदमी बनने में तो बहुत ताकत लगा है। एक एक बहन को तो आप जंतर मंत्र में बिठाया जाता है धरने पर, एक बहन बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता है, बीजेपी पार्टी गुणगारी है, ये कारण क्या है? क्यों कारण तो ऐसा भाई, यह राजनीति का जो लोभ है और जो पद है उसकी जो ताकत है, आज इस बाहुबली का कुछ नहीं बिगड़ रहा, उसको देखते हुए हर आदमी राजनीति में आना चाहो है जी। जब सुप्रीम कोर्ट का जज भी राज्यसभा का सांसद बन गया, तो इन छोटे छोटे का क्या कसूर है जो पहले बीजेपी से लड़ रही है, ये भी लड़ेंगे? या तो देश में एक मानसिक सिस्टम बन गया, अगर राजनीति में घुस जाओ किसी तरह भी घुस जाओ, इससे ज़्यादा फायदे का विषय नहीं है। तो राजनीतिक प्रलोभन में आके ये बातें हो रही हैं भाई साहब। लेकिन बात ये है कि एक बहन वहाँ है, बात सोचो उस बहन का साथ देने वाला कोई नहीं, उसकी तीन बहनें यहाँ पर बैठी, उसकी माँ भी बैठी, उसका पिताजी बैठा, उसके चाचा की लड़की बैठी, चाचा मतलब उसकी चाची बैठी, भाई बैठे, उसके सारा परिवार तो यहाँ बैठे है। एक लड़की अकेली ब्याह दी थी, अपने राजनीतिक प्रलोभन में नहीं मान रही, तो उसमें इस परिवार का क्या कसूर है?
बताओ क्या कसूर है राजनीतिक प्रलोभन में। कल को पीटी उषा ने भी बयान दिया था, उनको भी लोगों ने कहा कहीं आप राजनीतिक प्रलोभन में बयान नहीं दे रही, वो भी आगे मान के गई क्योंकि क्या था यहाँ पे आने के बयान नहीं दिया यहाँ पे आने के बाद कुछ भी नहीं बोले, ऐसे बस्ती नजर आई वो यहाँ मिलकर गई बच्चों से और उसने जो भी बात करने आई वो तो ये प्लेयर जाने। लेकिन पीटी उषा भी आईओसी में जो बना रखी है ना, जो 12 मेंबर बना रखे हैं, वो पहले तो बनाए गए पदों पे, फिर बनाए गए प्राइमरी मेंबर, तो वो भी सरकार के दबाव में बयान दे रही है। इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं, अब पहले तो बनेगा एमपी, फिर बनवाओगा वोट, पहले वोट बनेगी फिर एमपी लड़ सकता है, पहले वोट बनेगी फिर फेडरेशन का अध्यक्ष बन सकता है। पहला अपवाद देश में यो है जो गिफ्ट पीटी उषा जी को और इनको दे रखा है उस दबाव में। दूसरी बात, कुर्सी के नीचे कुर्सी दब रही है, आम आदमी सब ने नहीं बेरा। अब दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से चलती है दिल्ली पुलिस। होम मिनिस्ट्री जब तक वो आदेश नहीं देगी क्या करेगी दिल्ली पुलिस? तो ये तो पूरी न्याय प्रणाली है ना, वो छोटी कुर्सी बड़ी कुर्सी के नीचे दब रही है। इसके लिए तो 140 करोड़ के जो लोग हैं ना उनका दायित्व तो बनता है। और जब 130 करोड़ के मुल्क का विदेश में जाकर एक लड़की अकेले सम्मान बचा सकती है, ताकि यू 140 करोड़ का मुल्क है वो अकेली लड़की इज्जत नहीं बचा सकता। सर ये जो खिलाड़ी यहाँ धरने पे बैठे हैं और जनता इतनी परेशान है, जो गांव से खापे आए किसान भाई आए हैं इतने परेशान हैं, उस आदमी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं? भैया तो सरकार से पूछो अब वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं रही। ये तो इसलिए आए हैं सब ने कोई कार्रवाई सुनो, ये तो इनका तो फर्ज इसलिए आए हैं। इन परिवारों ने जो यहाँ बैठे ना किसान वर्ग से हैं, इनका काम तो इतना अपने बच्चों ने अच्छा पढ़ाओ अच्छा खिलाओ, कहीं फौज में भेज दो, कहीं पैरामिलिट्री में भेज दो, कहीं देश में मेडलों के लिए भेज दो, इनने तो जो काम था पूरा कर दिया। दूसरी बात, सवाल यहाँ खड़ा हो गया, हमने नहीं पता इस ठाकुरवादी मानसिकता में जहाँ ब्रजभूषण सिंह आता सामंतवाद में क्या परंपरा है, पर मेरे इलाके की मैं परंपरा बता देता हूँ। ये तो यौन शोषण के सीधे सीधे आरोप लगे हैं। हमारे इलाके में तो अगर बहन की गाड़ी भी दे दी जाओ वो भी बर्दाश्त नहीं होती। तो ये लोग जो यहाँ बैठे हैं ये इस दर्द को लेकर आए हैं, इस फैसले में आए हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी वोट बैंक का दबाव इतना मानना है तो वोट इनके पास भी हैं। चेताने आए हैं मोदी, चेताने आए हैं 24 के लिए। और ये भी कहने आए हैं वह किसान आंदोलन है, मजदूर आंदोलन है, व्यापारी आंदोलन है, भाव बंतर का, छोटे मोटे महंगाई का ये मुद्दे उठ सकते हैं। मैं बने रहिए अगली नई अपडेट तक मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ। जय जवान जय किसान।